नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौड़ शर्मा। सांसदी खत्म होने के बाद राहुल गांधी पहली बार अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र वायनाड का आज दौरा करेंगे, रोड शो भी करेंगे। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने राहुल के खिलाफ सवालों का नया पुलिंदा खोल दिया है। राहुल पर विदेश में देश के अपमान का इल्जाम लगाने वाली बीजेपी ने अब विदेशी व्यापारियों के साथ राहुल की कथित मुलाकातों का सवाल उछाल दिया। हालांकि ये सवाल भी बीजेपी ने गुलाम नबी आजाद से उधार लिया है। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? तो कहीं ना कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर करने के मामले में जो इस तरह के अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ तो काम नहीं कर रहे हैं। गुलाम नबी के गुलाम कंधे पर बीजेपी की बंदूक आजाद हो गई। राहुल गांधी की जानिब दनादन इल्जामों की गोलियां दागने लगी। उधार के सवालों से देश की सबसे बड़ी पार्टी राहुल गांधी पर लाल हो गई। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं, कि जब भी राहुल गांधी विदेश से भारत लौटते हैं तो उनका और हमला तेज हो जाता है। शांत रहिए, तेज हो जाता है भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की प्रगति के ऊपर। तो क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी सचमुच देश को कमजोर कर रहे हैं? विदेशी धन कुबेरों के इशारे पर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? बीजेपी को ये प्रश्न पूछने का अधिकार तो है ही, लेकिन प्रश्न तो ये भी पैदा होता है कि क्या राहुल के खिलाफ ये सवाल बीजेपी के इशारे पर ही गुलाम नबी आजाद ने उछाला, या फिर आजाद ने ही बीजेपी को अपने सवालों का गुलाम बना लिया? कहानी को आसानी से समझने के लिए क्रोनोलॉजी का सहारा लेना होगा, कांग्रेस और आजाद के बीच की कहासुनी की लकीर को पकड़ना होगा। हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। राहुल ने लिखा था, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अदाणी की कंपनी में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? इस ट्वीट में राहुल गांधी ने दावा किया था कि 5 पूर्व कांग्रेस नेता अदाणी मामले से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के औजार बन गए हैं, जिनमें पहला नाम गुलाम नबी आजाद का ही था। गुलाम नबी आजाद के साथ ही राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंता बिस्वा सरमा और अनिल एंटनी को भी सिंधिया से जोड़ा था। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जब गुलाम नबी आजाद से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, आजाद ने दावा कर दिया कि वो कई उदाहरण दे सकते हैं जहां गांधी परिवार के लोग विदेश जाकर अवांछित उद्योगपतियों से मिलते हैं। बीजेपी को आजाद की यही पंक्ति पसंद आ गई। रविवार को ही बीजेपी ने गुलाम नबी आजाद के इंटरव्यू का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया। बीजेपी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी विदेश जाते हैं और अवांछित बिजनेसमैन से मिलते हैं। राहुल गांधी बताएं कि ये व्यापारी कौन है जिनसे उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात किस लिए की गई। 24 घंटे के भीतर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने नमूदार हुए और राहुल से व्यापारी का नाम पूछने लगे। दशकों पुराने बोफोर्स के पन्ने पलटने लगे। राहुल का राजनीतिक एजेंडा भी मांगने लगे कि राहुल गांधी का एजेंडा है क्या, वो चाहते क्या है? राहुल गांधी ने आज तक बोफोर्स के खिलाफ कुछ कहा? आज तक कोतरोकी को कैसे भगाया गया हिंदुस्तान से, और कोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने अपने लॉ अफसर को भेजकर लंदन में जो उनका डील का मनी छुड़वाया बैंक से, जो सीज था, इस पर कुछ कहा? क्या राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में, वो बेल पर है साहब, जो कुछ कह रहे हैं उन्हें बताना चाहिए वो कौन से अनडिजायरेबल बिजनेसमैन है जिनसे राहुल गांधी मिले। और रविशंकर प्रसाद जी से मैं कहना चाहूंगा, क्या गुलाम नबी आजाद भारत सरकार से ज्यादा ताकतवर हैं? 8 साल से आपकी सरकार है, आपके पास सारी एजेंसीज हैं, और आप ये पता नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी
किसन डिजायरेबल बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, इसकी इतना आपको गुलाम नबी आजाद से मिल रही है। हर बीतते दिन के साथ आजाद अपने विश्वासघात की सीमा बढ़ा रहे हैं। वो पीएम के प्रति अपनी नई वफादारी का प्रदर्शन करने के लिए अपना स्तर गिराते जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर उनके घटिया बयान खबरों में बने रहने की उनकी हताशा और उनके असली चरित्र दर्शाते हैं। उनकी जितनी निंदा की जाए कम है। जयराम रमेश के इस इल्जाम को समझने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। तारीख 9 फरवरी 2021 थी। मौका राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई का था। आजाद कांग्रेस के नेता थे, लेकिन विदाई की बेला में आंसू किसी कांग्रेसी की आंख से नहीं बल्कि पीएम मोदी की आंखों से आए। पीएम मोदी न सिर्फ भावुक हुए बल्कि फबक फबक कर रोने लगे। बाएं हाथ के अंगूठे से चश्मे के कोर तक आंसू पोंछते रहे, बार बार पानी पीते रहे, रुंधे गले से थरथराते लफ्जों में कहानी सुनाते रहे, गुलाम नबी आजाद को सल्यूट करते रहे। इस मंजर के साथ ही कांग्रेस से गुलाम नबी के आजाद होने की अटकलें लगने लगी। पीएम मोदी के साथ उनकी नजदीकियों की चर्चा होने लगी। कालांतर में कुछ ऐसा ही हुआ। आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कहे अपनी आजाद राजनीति की शुरुआत कर दी। बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ आजाद के सारे हथियार कुंद हो गए। गुलाम नबी आजाद की पूरी ताकत कांग्रेस को कोसने में खर्च होने लगी। राहुल गांधी अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र पहुंचते इससे पहले ही बीजेपी आजाद के लफ्जों से राहुल को निशाना बनाने लगी। कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।